कितनी अच्छी फिल्म थी ना। मुझे ना लव स्टोरीज ना बहुत अच्छी लगती है। और हमारी लव स्टोरी? मैं आपकी ना, मैं वो फिल्म की बात कर रही हूँ रोहन जी। और मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि मूवी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो हीरो हीरोइन एक दूसरे के लिए कैसे सैक्रिफाइस करते हैं ना, उन्हें देखकर तो मुझे मेरे भैया और भाभी की याद आ गई। भाभी ना भैया से बहुत प्यार करती हैं और किसी भी हद तक जा सकती हैं उनके लिए। क्या केमिस्ट्री है ना दोनों के बीच। और हमारी केमिस्ट्री वो भी बिल्कुल वैसी होगी ना जैसे मूवी में थी। जैसे उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हुआ था वैसे ही मुझे भी हुआ जब से मैंने तुम्हें देखा। मैं तुम्हारे करीब आना चाह रहा हूं और करीब। रोहन जी आप ये क्या कर रहे हैं? अभी हमारी शादी नहीं हुई है और इतना करीब आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इस पे गलत क्या है? शादी तो हो ही जाएगी ना। फिर भी ये ठीक नहीं है रोहन जी। आप मुझे घर छोड़ दीजिए। लुक आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा इरादा तुमको हर्ट करने का नहीं था। ओके, जब तक तुम नहीं जाओगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओके छोटू, आप मदद नहीं करती तो मैं नेकलेस खरीद ही नहीं पाता। एक्चुअली क्या है, जिसे मैं जानता नहीं उनके लिए कुछ खरीदना मुश्किल हो जाता है। वैसे आप जो पसंद कर रहे थे वो दिव्या जैसी लड़की पर बहुत अच्छा लगता। मेरा मतलब है आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, पर हमें आंटी जी के लिए कुछ ट्रेडिशनल लेना था ना। एक ही छाता है रांची। पहले हमारा रिश्ता ऐसा था कि हम कुछ शेयर नहीं कर सकते थे, पर अब तो हम दोस्त हैं ना, एक छाता आधा आधा शेयर कर सकते हैं। आप भीग जाएंगे, अपनी तरफ रखिए। नहीं पर आप भी भीग रहे हैं। मैं ठीक हूँ। देखिए रांची, अब हम दोस्त हैं, अब थोड़ा पास आ जाइए।
बस अब और नहीं रुक सकता, गिफ्ट किसी और दिन ले लूंगा। रुक जा बेटा, राज आता ही होगा। अरे लो ये आगे। इतना भीगे हुए हैं जैसे पूरे भोपाल के बादल तुम पे ही बरस गए हों। अरे शीला भी तो आई इसी बारिश में, वो तो नहीं भीगी इतनी बुरी तरह। छतरी नहीं है घर में या तुझे शौक है बारिश में भीग के इतना आने का? गलती इनकी है, आप ही ने कहा था ना कि जा अपनी फटफटी लेके जा, तो बाइक पे चाहता किस काम का? और मैंने कहा था ना सरिता जी के साथ कोई बदसलूकी नहीं करेगा। ओ ला बेटा तोहफा दे। अरे ये देख, इसे बोलते हैं गहना। वाह बहू वाह, क्या बात। ये मेरे बेटे राज की पसंद है, वो तो है ही कलाकार। सरिता जी की पसंद का है। रोहन बेटा अपनी माँ से कहना ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। चले चले। गर्म पानी रखा है, आप नहा लीजिए वरना जुखाम लग जाएगा। सॉरी। तेरे तो भाग खुल गए बेटी, हीरा मिला हीरा, ले दूध पी ले। बस एक बात तो है, जब से ये रिश्ता हुआ सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है। अरे वो है ना सुंदरी बंदरी से मुंह की, मेरी राशि में तो सनिच्चर बन के बैठी। रोहन की मां की वजह से चली गई। बेटा दूध पी के सो जाइयो आराम से। हाँ मैं जा रही हूँ। भगवान सीट जी चाहे कुछ भी कहें, पर मुझे तो पूरा शक है छछुंदरी पे। नजर रोहन पे और साइकिल की तरफ पीछा करती है शीला का,
ये हमारी आंखों में धूल जो नहीं तो हो गई छछुंदरी। चित्ते का भाई भगीरा, तू कूदे नो तो मैं कूदू तेरा। भाभी वो फिल्म बहुत अच्छी थी भाभी। वो तो मुझे दिख रहा है, पर ऐसा क्या था जो अच्छा नहीं था और तुम चाहकर भी बता नहीं पा रहे हो? भाभी कहती है ना मुझे अपनी भाभी को सच भी नहीं बताओगी। भाभी जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे करीब आना चाह रहा हूं, और करीब। ये तो गलत है, रोहन जी की एक शादी हो चुकी है फिर भी नस्ती करने की इतनी जल्दबाजी। दाल में कुछ काला है। तुम्हारे ये ठीक नहीं है शीला, हमें पता करना पड़ेगा कि इस इंसान के मन में क्या है। अगर उनके चेहरे पर कोई नकाब है तो उसे मैं उतार कर ही रहूंगी। सरिता जी, सरिता जी, रोज तो 8 बजे उठ जाती है आज। सरिता जी, सरिता जी, उखाड़ रहे इनको। इतना सुंदर सपना है। सपना नहीं हकीकत है। वो रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ पर आज बुखार है आपको थोड़ा सा, चिंता की बात नहीं है। कल भीग गई थी इसलिए थोड़ा टेम्परेचर है, रिलैक्स, आप आराम कीजिए। मैं नहीं, पर घर के काम बाकी लोग कर लेंगे, और भी लोग हैं घर और उन्हें आपके बिना काम करने की आदत होनी चाहिए। आप बेड पे आराम कीजिए, मैं काढ़ा बना के लेके आता हूँ। बेड पे आराम कीजिए, ओके? चाहिए मुझे आपकी हो गई है, पता नहीं कैसे जीऊंगी मैं आपके बिना। कामचोर छछुंदरी अब तक सोई पड़ी है, सूरज सिर पर चढ़ गया। अरे 8 बज गए पर महारानी अब तक नीचे नहीं आई उठ के, जैसे इसके बाप ने नौकरों की फौज छोड़ रखी हो यहाँ। क्या माँ, भाभी रोज रोज सुबह तो आ जाती है ना किचन में, आज थोड़ी सी देर हो गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? माँ वो हमारे घर की बहू है, बंधुआ मजदूर नहीं। बड़ी आई भाभी की वकील है, इतनी हमदर्दी है उस छछुंदरी से, माँ की तकलीफ तो ना दिखी तुझे? हर वक्त उसकी तारीफ करती फिरे जा। अरे कुछ नहीं हुआ उसे, बुखार है उन्हें। 10 साल से इस घर की सेवा कर रही है लेकिन उसके दुख दर्द की किसी को नहीं पड़ी। पहन का है मुझे काढ़ा बनाना है। वो भैया वहां, भैया भाभी को बुखार कैसे आया? रात को बारिश में भीग गई थी इसीलिए शायद। अब तू उस औरत के लिए कड़छी थामेगा? जा बाहर जा, मैं बनाऊंगी मैम साहब के लिए काढ़ा। तू बनाएगी काढ़ा? तेरे मन में उनके लिए इतना जहर है कि गलती से थोड़ा जहर कहीं काढ़े में ना छलक जाए। मैं बना लूंगा। नहीं मेरे भोले भाले बेटे पे क्या जादू कर दिया छछुंदरी ने,
इससे पहले कि आपने माया का जाल दिखाए मैं इसे घर से भगा दूंगी। अदरक भैया वहाँ है, अदरक काली मिर्ची और हल्दी मिल गई ना। नहीं पीना। छोटू नाम रखा है, इसका मतलब ये नहीं एक छोटे बच्चे की तरह बार बार जिद कर। कड़वा है। जरूरी है। अच्छा मुझे देखिए, देखिए अब इमेजिन कीजिए कि ये गाढ़ा नहीं मैंगो शेक है। मैंगो शेक जल्दी से तैयार हो जा, रोहन के परिवार वालों ने आज खाने पे बुलाया हम सबको दोपहर को। सरिता जी को बुखार है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे बेटा पंडित जी आएंगे, उनसे मुहूर्त निकलवाएंगे शादी का। हाँ हाँ हा, लेकिन अगर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने काढ़ा पी लिया है ना, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, अब मैं चल सकती हूँ। आखिर शीला की शादी का सवाल है। तेरी क्या जरूरत है माँ, क्या करेगी तू आके? मेरा मतलब बेटा तेरी तबीयत खराब है, फिर दादी भी तो घर में ही है ना, अब उनका भी तो ख्याल रखने के लिए चाहिए ना कोई। आप आएंगी? आप हाँ आएंगी। क्यों डोंग दिखा रही हैं बैठ के? हाँ आप क्यों नहीं रुक जाती? आपकी सास है ना वो, वैसे भी मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं शीला की इकलौती भाभी हूं ना। और हाँ एक बात मत भूलिएगा, अगर मैं कोशिश नहीं करती तो शीला और रोहन का रिश्ता कभी तय नहीं होता। इसी बहाने मैं सच के तह तक जा सकूंगी, क्योंकि मुझे रोहन जी पर शक होने लगा है। मुझे तो जानना ही पड़ेगा चाहे जो हो।